हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पे नया नया वीडियोस पाइए आप रोज़ाना। IRCTC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में काफ़ी सारा चेंजिंग कर दिया है। अब हम नए साइट से किस तरीके से ये चेक करेंगे कि मेरा वेटिंग का टिकट है कितने नंबर तक कन्फर्म होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वेटिंग का टिकट कितने नंबर तक कन्फर्म होता है उसको मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। अगर आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। अगर आप लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र को ओपन करके उसमें आप टाइपिंग करेंगे irctc.co.in। देखिए इस तरीके से आप टाइपिंग करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि IRCTC का ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ गया। यहाँ पर आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि IRCTC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में ढेर सारा चेंजिंग कर दिया है। अगर आप इसका रेगुलर कस्टमर है तो आप पहले देखते होइएगा कि इसका कुछ और ही इंटरफेस था, अब यहाँ पे इसका कुछ और ही इंटरफेस हो चुका है जो यहाँ पे काफ़ी सारा चेंजिंग कर दिया है। तो IRCTC में अपना वेटिंग का टिकट कितने नंबर तक कन्फर्म होता है उसको देखने के लिए आपको पहले इस पर एक अकाउंट होना चाहिए। पहले मैं यहां से लॉगिन कर लेता हूं। तो आपके पास तो अगर नहीं है इसका यूजर आईडी और पासवर्ड तो आप यहां नीचे रजिस्टर वाले पे क्लिक करके आप इसका यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मैं इस पे वीडियो बना रखा हूं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा जहां से जाके आप बहुत ही आसानी से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं IRCTC पे। कहने का मतलब है कि अपना अकाउंट बहुत ही आसानी से IRCTC पे बना सकते हैं। तो चलिए मैं पहले से बना रखा हूँ तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम पासवर्ड और इसके अंदर कैप्चा होगा इसको रिफ्रेश करेंगे तो इसके अंदर आपका कैप्चा आ जाएगा। दो बार रिफ्रेश करना है, ये कैप्चा आ गया, कैप्चा इसमें डाल के यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है। यूजर आईडी पासवर्ड कैप्चा डालने के बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही आपके सामने देखिए ये ओपन होके आ चुका है। यहाँ मेरा न्यू अकाउंट आ चुका है और यहाँ पर देख रहे हैं वेलकम इंजीनियर राजा, मतलब मेरा मैं इस पर अब ओपन हो चुका हूँ। तो सिंपली आपको अपना वेटिंग टिकट देखने के लिए यहाँ पे कहाँ से कहाँ जाना है वो अपना होम स्टेशन यहाँ डालेंगे और कहाँ जाना है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पे पटना टू दिल्ली डाल दिया, यहाँ पे 8/2/2021 डाल दिया। यहाँ से आप क्लास भी चूज कर सकते हैं कौन सा क्लास है आपका। इसके बाद यहाँ पे आप कोटा चूज कर सकते हैं कौन सा कोटा है। सब कुछ डालने के बाद यहाँ सर्च वाले पे ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने ये ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जो अगर वेटिंग में टिकट है, जैसे कुछ देर के लिए मान लीजिएगा आपका स्लीपर में टिकट है और यहाँ पे वेटिंग देख रहे हैं 29, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा 55%, मतलब जो है 29 जो है 29 यहाँ पे इसका कन्फर्म होने का चांसेस जो है 55% यहाँ पे इसका चांसेस है कि ये टिकट कन्फर्म हो सकता है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, नीचे और भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे अगर आपका वेटिंग टिकट 7 है या आपका वेटिंग टिकट 1 है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 88% चांसेज है ये कन्फर्म होने का। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर वेटिंग टिकट अगर आपका 7 है तो यहाँ पर 76% यहाँ पर आपका चांसेज है कि टिकट आपका कन्फर्म हो जाएगा। इसी तरीके से मान के चलिए कि आपका वेटिंग में जो टिकट है 6 है तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 91% ये चांसेज है कि ये कन्फर्म हो जाए। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से नए साइट से ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो वेटिंग में टिकट है वो कन्फर्म होने का कितना परसेंट चांसेज है। तो इसी तरीके से नए साइट से बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे वेटिंग 29 है तो इसका है 55%। अगर आपका मान के चलिए 10 है, 11 है, 9 है, 8 है तो आपका चांसेस मतलब और हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मैं नीचे में आपको ये डेमो दिखाया हूँ इस तरीके से, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर 14 है तो यहाँ 58% है, यहाँ पर 7 है तो 76% है। इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे जो टिकट है वो कितना आपका टिकट वेटिंग में है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा टिकट का जो है कन्फर्म होने का चांसेस जो है इतना परसेंट है। इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से नए साइट से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका वेटिंग में टिकट है वो कितने परसेंट तक चांस है कि आपका टिकट कन्फर्म हो जाएगा। तो गाइस अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियोज़ में पर डे अपलोड करते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोज़ को लाइक नहीं किए हैं, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए क्योंकि इस तरीके का नया नया वीडियोज़ में पर डे अपलोड करते रहता हूँ और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा।